माय गॉड, प्रमोद का तो काफी खून बह चुका है, लेकिन तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? इन्हें ओटी में क्यों नहीं लेकर गए अब तक? नर्स, जल्दी जाओ, ऑपरेशन की तैयारी करो। सबसे पहले इनका ब्लड ग्रुप चेक करो, खून काफी बह चुका है, उन्हें ब्लड की जरूरत पड़ेगी किसी वक्त। और डॉक्टर सेठिया और डॉक्टर तलवार को ओटी में भेज दो फौरन, एंड टेल देम इट्स एन इमरजेंसी, गो फास्ट। डॉक्टर, प्रमोद को कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक तो हो जाएगा ना? उर्मिला जी, ये सब तो ऑपरेशन के बाद ही पता चल पाएगा, इस बारे में कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे जिस तरह से प्रमोद का खून बहा है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि, वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बाकी सब भगवान की मर्जी। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर प्रमोद की बॉडी बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। बेटा, प्रमोद अब इस दुनिया में नहीं रहा। उर्मिला जी, इस बात का मुझे भी दुख है, लेकिन यही सच है। उर्मिला जी प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, मालती की हालत ठीक नहीं है इस वक्त, पहले भी टेंशन में आ गए, अपने हाथ की नस काट चुकी है। सिर्फ फैमिली डॉक्टर है, फैमिली मेंबर नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भी जिस तरह का माहौल आपने इस परिवार में बना रखा है, ऐसी फैमिली का मेंबर बनना कौन चाहेगा? अभी थोड़ी देर पहले मालती ने मुझे बताया था कि उसे जीने की इच्छा खत्म हो गई है। उस वक्त मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों कहा उसने, लेकिन अभी अपनी आंखों से आपका यह रूप देखकर और अपने कानों से आपके यह शब्द सुनकर मैं समझ गया हूं कि ऐसा क्यों कहा उसने। खैर, मालती का इलाज तो मैंने कर लिया है, लेकिन उसके अलावा जो बात मुझे पता चली है, मैंने सोचा शायद आप लोगों को बताऊंगा तो आपको थोड़ी खुशी होगी, लेकिन आप लोगों का ये रूप देखकर मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिलचस्पी है। लेकिन फिर भी एक डॉक्टर होने के नाते मेरा एक फर्ज बनता है कि सारी बातें आपको सच सच बताऊं। आपकी बहू मालती फिर से मां बनने वाली है।